नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, अगर बाज के साथ उड़ना चाहते हो, अगर बाज के साथ उड़ना चाहते हो तो कबूतरों के साथ रहना छोड़ दो। नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रदीप कुमार, एक और प्यारे बच्चों बेहतरीन वीडियो दिसंबर 2022 के करंट अफेयर पढ़ेंगे। और ये करंट अफेयर है ना, हमारी बुक आ चुकी है मार्केट में, मात्र 100 रुपए की रहेगी। 2 साल का करंट अफेयर है, एक एरर फ्री बुक है और कोई भी क्वेश्चन इस बुक से बाहर नहीं मिलेगा। तो आज शुरू करते हैं। प्रदेश की किस महिला को भारतीय टेबल टेनिस महासंघ की प्रथम महिला के रूप में उनको चुना गया, इन्हें किसकी चुना गया था? भारतीय टेबल टेनिस महासंघ की प्रथम महिला अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त हुआ। तो ये प्यारे बच्चों, पहले मैं कहूंगा कोई भी काम करो, जय माँ सरस्वती का नाम लेकर काम किया करो, वो काम आपका डेफिनेटली अच्छा नहीं बहुत अच्छा होगा। तो ये मेघना अहलावत को चुना गया, और मेघना अहलावत है ना, ये दुष्यंत चौटाला की क्या रहेगी? पत्नी रहेगी। और दुष्यंत चौटाला आज तक जितने भी उप मुख्यमंत्री बने हैं ना, उनमें सबसे युवा उप मुख्यमंत्री रहेंगे। और हरियाणा के मंत्रिमंडल में सबसे युवा पूछे तो कौन रहेंगे? भव्य बिश्नोई रहेंगे, 90 विधानसभा की सीटों में। और भव्य बिश्नोई आदमपुर उपचुनाव जीता, 29 साल के रहेंगे। ये मेघना अहलावत है, ये मतलब भारतीय टेबल टेनिस महासंघ की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी है। प्रदेश भर में योग के बेहतर प्रचार प्रसार के लिए किस महिला को हरियाणा स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये कोमल वर्मा को ये योग के बेहतर प्रचार प्रसार के लिए सम्मानित किया गया था। तो ये कहाँ से रहेगी? सिरसा से रहेगी। जो कोमल होगी, जो जिसका शरीर फ्लेक्सिबल होगा, कोमल होगा, वही तो योग करेगी ना। तो कोमल कहाँ से है? सिरसा से। और मेघना अहलावत कौन है? भारतीय टेबल टेनिस महासंघ की पहली महिला अध्यक्ष। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी का मुख्यालय किस जिले में है? तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में रहेगा, जैसे गुरुद्वारा छठी पातशाही कुरुक्षेत्र में, नौवीं पातशाही कुरुक्षेत्र में रहेगा। राजघाट गुरुद्वारा कौन सा गुरुद्वारा प्यारे बच्चों? राजघाट गुरुद्वारा भी कहाँ पर रहेगा? कुरुक्षेत्र में रहेगा। तो इसमें ना सबसे ज्यादा गुरुद्वारे कहाँ पर रहेंगे? सबसे ज्यादा गुरुद्वारे प्यारे बच्चों आप में पढ़ोगे अंबाला में रहेंगे। लेकिन गुरुद्वारों का शहर कौन सा रहेगा? तो गुरुद्वारों का शहर कैथल को बोलते हैं, तो कुरुक्षेत्र में रहेंगे। 2 क्षेत्रीय कार्यालय जींद व पंचकुला में भी खोले जाएंगे। प्रदेश सरकार ने राज्य के 52 गुरुद्वारों का 18 माह के लिए संचालन करने के लिए 38 सदस्य कमेटी बनाई है। तो कहाँ पर है? पर मुख्यालय कहाँ पर रहेगा? तो मुख्यालय कहाँ पर रहेगा प्यारे बच्चों? वो कहीं और नहीं होगा, वो कहाँ पर होगा? आपका कुरुक्षेत्र में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हरियाणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा कब तीर्थ मित्र पोर्टल शुरू किया गया? तीर्थ मित्र, अब प्यारे बच्चों तीर्थ पर हम गाड़ी से जाएंगे ना, और गाड़ी के कितने पहिए होते हैं? चार। तो 4 दिसंबर 2022 को कुरुक्षेत्र से किया गया, क्योंकि हरियाणा का तीर्थ राज कौन सा रहेगा? कुरुक्षेत्र। भारतीय टेबल टेनिस की अध्यक्ष कौन बनी थी? मेघना अहलावत बनी थी। और स्टेट योग के लिए किसे चुना गया था? कोमल को, जो कहाँ से थी? सिरसा से। ऐसे याद कर सकते हो प्यारे बच्चों। और गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी का मुख्यालय कुरुक्षेत्र में रहेगा, ठीक है। प्रदेश की किस महिला क्रिकेटर को आईसीसी अंडर 19 T20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम का कप्तान नियुक्त किया गया? शेफाली वर्मा को नियुक्त किया गया। और प्यारे बच्चों ये चैंपियनशिप भारत ने जीती हुई थी, और किसकी कप्तानी में जीती थी? शेफाली वर्मा की, क्योंकि ये नवंबर की है, आगे वो जनवरी में जीत चुके हैं। हरियाणा में मार्च 2023 तक कितने लाख आधार कार्ड अपडेट करने का मासिक लक्ष्य है? तो 13 लाख है। 20,000 आधार कार्ड अपडेट करने का क्या रहेगा? महीने का लक्ष्य रहेगा। लगभग अभी तक है ना प्यारे बच्चों 3 करोड़ आधार कार्ड बनाए जा चुके हैं, ठीक है। प्रदेश के किस जिले में राज्य का पहला रामकृष्ण मिशन विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ वैल्यूज केंद्र बनेगा? तो रामकृष्ण परमहंस रामकृष्ण मिशन, ये मतलब आप पढ़ोगे प्यारे बच्चों, स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? विवेकानंद के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस होता था, तो स्वामी विवेकानंद के गुरु, तो गुरुग्राम हो जाएगा। किस जिले में राज्य का पहला रामकृष्ण मिशन विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ वैल्यूज केंद्र खुलेगा? तो गुरुग्राम में खुलेगा। सिरसा की योग में किसे अवार्ड मिला था? कोमल को मिला था, ठीक है। और टेबल टेनिस की मेघना अहलावत हो जाएगी, ठीक है।
और प्यारे बच्चों कुरुक्षेत्र में जो कमेटी का मुख्यालय कहाँ पर है, गुरुद्वारा का कुरुक्षेत्र से याद कर सकते हो। मलेशिया में आयोजित कुआलालंपुर इंटरनेशनल मार्च एथलेटिक चैंपियनशिप में गुरदीप मिटाण ने भाला फेंक में कौन सा पदक जीता था, तो कौन सा जीता था, रजत पदक जीता था। मलेशिया में आयोजित कुआलालंपुर इंटरनेशनल मास्टर एथलीट में गुरदीप मिटाण ने कौन सा रजत जीता था। गुरदीप मिटाण का संबंध कहाँ से है, पानीपत से है। गुरदीप का संबंध कहाँ से रहेगा, पानीपत से रहेगा। किस में जीता इसने, भाला फेंक में कौन सा पदक जीता था, तो भाला फेंक में इन्होंने की रजत पदक जीता था। वर्तमान समय में राज्य में कुल कितनी गौशालाएं हैं, 629 है। पहले गौशाला कम कहाँ होती थी, रेवाड़ी में होती थी। अब यमुनानगर जिले में सबसे कम 7 गौशाला है, और सिरसा में 100 सबसे ज्यादा, सिरसा में कम यमुनानगर में। और ये भी आ सकता है हरियाणा की पहली गौशाला कहाँ खुली थी, रेवाड़ी में खुली थी। और कहते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती आए थे और उन्होंने आते ही गौशाला खोलने का कहा था, और ये इस गौशाला का निर्माण राव युधिष्ठिर ने कराया था, जो कहते हैं राव तुलाराम के क्या होते थे, बेटे होते थे। ठीक है, नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ है जाएंगे नेक्स्ट के क्वेश्चन के लिए। हम आगे क्वेश्चन के लिए जा रहे हैं। प्रदेश की से मतलब वर्तमान में कुल गौशाला कितनी है, 629। प्रदेश की सबसे कम उम्र की सरपंच कौन बनी है, पहले रेखा रानी थी पिछली प्लान में, अब बनी अंजू। अंजू कहाँ से रहेगी, महेंद्रगढ़ से। प्रदेश की सबसे कम उम्र की क्या बनी है, अंजू सरपंच बनी है। तो प्रदेश की सबसे कम उम्र की सरपंच कौन बनी, अंजू। पिछले प्लान में कौन होती थी, रेखा होती थी, जो चबला मोरी से होती थी। और चबला मोरी कहाँ पर है, फतेहाबाद में है। और इस बार कौन है, अंजू, जो कहाँ से रहेगी, महेंद्रगढ़ से रहेगी। 21 वर्ष 3 साल की उम्र है। प्रदेश की किस महिला को सबसे कम उम्र में ब्लॉक समिति सदस्य बनने का गौरव प्राप्त हुआ है, ये आरती भी महेंद्रगढ़ से, अन्नू भी महेंद्रगढ़ से, आरती भी कहाँ से रहेगी, महेंद्रगढ़ से। आरती है ये प्यारे बच्चों ब्लॉक समिति सदस्य बनी है, और अंजू क्या बनी है, तो अंजू सरपंच बनी है। दोनों कहाँ से रहेगी, महेंद्रगढ़ से रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस देश ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को अपना मैत्री राजदूत नियुक्त किया है, तो स्विट्जरलैंड ने नियुक्त किया है। तो नीरज चोपड़ा कैसे हैं, पानीपत से हैं, कैसे हैं, स्वीट है। नीरज चोपड़ा कैसे हैं, स्वीट है। और सबसे युवा सरपंच अंजू और ब्लॉक समिति वाली आरती, दोनों महेंद्रगढ़ से रहेगी। 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस पर राष्ट्रपति द्वारा किसे सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन आयुक्त का पुरस्कार दिया, तो ये प्यारे बच्चों दिव्यांगजन आयुक्त राजकुमार मक्कड़ को दिया था। किसको दिया था, दिव्यांग दिवस पर 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस होता है, और इस दिन हमने किसको चुना, राजकुमार को चुना। ऐसे याद कर सकते हो। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वैज्ञानिकों को 8 शोध निबंध किस पत्रिका का विमोचन किया, श्रुति प्रभा। तो ये वैज्ञानिकों की पत्रिका थी श्रुति प्रभा। थाईलैंड में आयोजित अंडर 17 जूनियर एशियन बैडमिंटनशिप चैंपियनशिप में उन्ती हुड्डा ने कौन सा पदक जीता, तो उन्ती हुड्डा है ना ये रोहतक से, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। तो उन्ती ने क्या की थी, रोहतक से थी, और उन्ती ने उन्ती की सिल्वर मेडल जीता था। प्रदेश के किस खिलाड़ी को भारतीय ओलंपिक संघ की कार्यकारिणी का कार्यकारी सदस्य मनोनीत किया गया, योगेश्वर दत्त को। और ये प्यारे बच्चों बड़ौदा उपचुनाव हार गए थे, बीजेपी से रहेंगे, और भारतीय ओलंपिक संघ के कार्यकारिणी का कार्यकारी सदस्य मनोनीत किया गया। भारतीय टेबल टेनिस की कौन बनी थी, अध्यक्ष मेघना गहलावत बनी थी। किस स्थान पर हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल द्वारा 10वीं ड्रैगन बोट राष्ट्रीय प्रतियोगिता का शुभारंभ किया, सुखना लेक चंडीगढ़। ये कब बनी थी, 1998 में बनी। डिजाइन किसने तैयार किया, ली कार्बूजियस, कहां से था, फ्रांस से था। भोपाल में आयोजित 65वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में प्रदेश के किस खिलाड़ी ने राष्ट्रीय कीर्तिमान के साथ साथ 35 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में 4 स्वर्ण पदक जीते, ये अनीस बनवाल ने जीते, जो कहां से रहेंगे, करनाल। ये रट लेना, यहां से क्वेश्चन बनेगा। अनीस बनवाल ने जीता था शूटिंग में, एक मन्नू भाकर गोरिया झज्जर से, एक अनीस बनवाल करनाल से। ठीक है, भोपाल में आयोजित थी। प्रदेश के किस जिले में लगभग 420 एकड़ में जैव विविधता पार्क बनेगा, तो प्यारे बच्चों जैव विविधता पार्क है गुरुग्राम में बनेगा, क्योंकि पार्क है ना, पार्क का निर्माण कौन कराएगा, गुरु करवाएगा। कौन, कल हमने पढ़ा था बीफ केंद्र कहां पर बनेगा,
बीफ जांच केंद्र भी कहां पर बनेगा, गुरुग्राम में, और रामकिशन मिशन वाला भी कहां पर बन रहा है, गुरुग्राम में, आईटी जो मतलब लैब वो भी कहां पर, गुरुग्राम में। प्रदेश के किस व्यक्तित्व को शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया, तो ये मास्टर जय भगवान को दिया गया, रेवाड़ी से है मास्टर जय भगवान। जय भगवान एक बॉक्सर भी है, लेकिन ये मास्टर जय भगवान को उल्लेखनीय योगदान अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार जय भगवान को दिया गया था। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों चलते हैं हम, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हें विवाद जैसे पिछड़े क्षेत्र में शिशु शिक्षा पर अपने योगदान के लिए कोलंबो के गवर्नर रोशन गुलटी द्वारा भारत श्रीलंका आईबीआई इंडो श्रीलंका अवार्ड से दिए सम्मानित किया गया था। प्रदेश के किस व्यक्तित्व को यूरोप की थेल्स कंपनी ने ब्रांड एम्बेसडर की जिम्मेवारी दी है, तो यूरोप की थेल्स कंपनी ने अभिमन्यु यादव को दी है। ठीक है, तो यूरोप जैसे यूरोप के चक्रव्यूह को किसने तोड़ा, अभिमन्यु यादव ने। ठीक है, और मास्टर जय भगवान को भी मतलब इंटरनेशनल लेवल का अवार्ड मिला है। प्रदेश में अदालतों के आदेशों लोगों में हिंदी भाषा में मिलेंगे, ये नियम कब से लागू होगा, 1 अप्रैल 2023 से, और 1 अप्रैल 2023 से बुढ़ापा पेंशन कितनी हो गई है, 2750 रुपये, 250 की इजाफा हुई है, ऐसे याद कर सकते हो। प्रदेश के किस जिले में भगवान परशुराम महाकुंभ का राज्य स्तरीय आयोजन किया गया, तो कहां पर, ये CMCT करनाल में किया गया 11 दिसंबर 2022 को। केथल में बनने वाले मेडिकल का नाम भी भगवान परशुराम के नाम पर रखा जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मंदिर के पुजारी पुरोहितों को न्यूनतम आय तय किए जाने के लिए पुजारी पुरोहित कल्याण बोर्ड का गठन का ऐलान किया। रोहतक के MDU में आचार्य चाणक्य के नाम पर चेयर स्थापित किए जाएगी, तो चेयर कहाँ पर लगेगी, तो चाणक्य के नाम से चेयर MDU रोहतक में लगेगी, और पुजारी के लिए कल्याण बोर्ड बनेगा, और केथल में मेडिकल का नाम भगवान परशुराम के नाम पर रहेगा, लेकिन ये भगवान परशुराम महाकुंभ करनाल में आयोजित किया गया। 4 लाख तक के आय के किन वर्गों के सभी विद्यार्थियों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी, और प्यारे बच्चों ये अनुसूचित जाति, कल मैंने बोला चौपाल का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा, बाबा साहब के नाम पर रखा जाएगा। अनुसूचित जाति एवं जनजाति घुमंतू जाति के पिछड़े वर्ग के साथ साथ अन्य सभी वर्गों के छात्रों को 10वीं कक्षा के उपरांत छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। अंबेडकर इसमें पहले इस योजना के तहत अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग के बच्चों को स्कूल में छात्रवृत्ति मिलती थी, अब घुमंतू और पिछड़ा वर्ग फिर शामिल किया गया है। इस योजना के तहत विद्यार्थियों को 8 से 12 हजार रुपए के तक छात्रवृत्ति दी जाएगी। दूसरे देश के साथ समन्वय के लिए किस विभाग के तहत हरियाणा निर्यात संवर्धन परिषद और हरियाणा विदेशी प्लेसमेंट सेल की स्थापना की गई है, तो ये विदेश सहयोग विभाग, विदेश सहयोग विभाग याद कर लेना। जॉर्डन में आयोजित एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में रोहतक की महिला बॉक्सर परवीन हुड्डा ने 63 किलोग्राम में कौन सा पदक जीता, गोल्ड जीता, और कल हमने पढ़ाया जॉर्डन में कितनी बॉक्सर गई थी, हरियाणा से 8 गई थी। प्रदेश का कौन, उसमें स्वीटी बुरा हिसार से थी और बाकी रोहतक और भिवानी से थी। प्रदेश का कौन सा अस्पताल ओपन हार्ट सर्जरी की सुविधा शुरू करने वाला देश का पहला जिला अस्पताल बना, ये अंबाला छावनी, क्योंकि अनिल विज का विधानसभा क्षेत्र है, और अनिल विज कौन से मंत्री रहेंगे प्यारे बच्चों, अभी स्वास्थ्य मंत्री है, तो अंबाला छावनी नागरिक हॉस्पिटल। प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में CSIR राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद के सहयोग से भूग्रह निगरानी प्रणाली स्थापित की जाएगी, ये हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय जो जयंत पाली महेंद्रगढ़ में रहेगा, हैदराबाद के सहयोग से भूग्रह निगरानी प्रणाली स्थापित की जाएगी। राज्य सरकार ने प्रदेश भर के अविकसित ब्लॉकों में रहने वाले अंत्योदय परिवारों के जीवन शैली में परिवर्तन लाने के लिए किस नाम से कार्यक्रम शुरू किया है, तो ब्लॉक परिवर्तन कार्यक्रम शुरू किया है। हरियाणा पुलिस को क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम परियोजना के क्रियान्वयन में देश का प्रमुख राज्य में कौन सा स्थान मिला, तो हरियाणा पुलिस को क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क में कौन सा स्थान मिला है, पहला ये गृह मंत्रालय द्वारा दिया गया, हरियाणा पुलिस की ओर से ये अवार्ड करनाल रेंज के पुलिस महानिदेशक सत्येंद्र कुमार गुप्ता और पानीपत पुलिस अधीक्षक शशांक कुमार सावन ने प्राप्त किया, तो हरियाणा पुलिस को क्राइम के मामले में मिला था, गृह मंत्री ने दिया था। प्रदेश के किस स्थान पर 40 करोड़ की लागत से देश का पहला तीरंदाजी हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनेगा, तो तीरंदाजी मतलब सोनीपत में, सोनी लड़की का नाम है
और लड़की के पीछे लोग तीरंदाजी में हिस्सा लेते हैं। तो राष्ट्रीय, जैसे द्रौपदी को जीतने के लिए भी तीरंदाजी हुई थी ना, तो राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र बहालगढ़ सोनीपत में आधारशिला केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने 17 दिसंबर 2022 को रखी गई थी। 40 करोड़ की क्या आएगी लागत आएगी और 15 अगस्त 2023 तक पूर्ण होने का लक्ष्य है। हरियाणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा कहाँ से हॉकी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी का अनावरण किया गया, तो चंडीगढ़ से हॉकी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी का अनावरण किया गया 13 से 29 जनवरी का भुवनेश्वर ओडिशा में है। और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नारा दिया, खेलेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया, जीतेगी हॉकी। हरियाणा उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला द्वारा किस स्थान पर जननायक ताऊ देवीलाल खेल अकादमी का शिलान्यास किया, तो ये रुड़की रोहतक में किया गया 16 दिसंबर 2022। और इनकी पत्नी मेघना गहलावत भारतीय टेनिस महासंघ की अध्यक्ष बनी है रुड़की रोहतक में। हरियाणा की पहली और देश की दूसरी बधिर वकील कौन बनी है, सौदामिनी पेठे फरीदाबाद से है, सौदामिनी पेठे नोट बेंगलुरु की सारा सनी पहली बधिर बनी है और सौदामिनी फरीदाबाद से है। हरियाणा के किस विभाग को उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया, तो ये कृषि और बागवानी विभाग को, कृषि जेपी दलाल के पास रहेगा ये विभाग। हरियाणा के कृषि और बागवानी दोनों विभागों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड और फसल क्लस्टर विकास कार्यक्रम में उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए क्या मिला था, सम्मानित किया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम में पहले प्रदेश में खिलाड़ियों को तराशने के लिए खेलो हरियाणा गेम का आयोजन कब से कब तक किया गया, 16 से 18 दिसंबर 2022 तक। ये याद करना तारीख 16 से 18 दिसंबर। प्रदेश भर के 1144 खिलाड़ियों ने भाग लिया। हिस्सा ले रहे खिलाड़ियों के लिए 400 प्रतिदिन के हिसाब से डाइट तय की गई थी। प्रदेश के किस व्यक्ति ने बुलेट मोटरसाइकिल पर स्टंट दिखाकर अपना नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया, ये मनीष राठी रोहतक से है। याद कर लेना, गिनीज में नाम दर्ज होना बहुत बड़ी बात है। मनीष, मनीष कहाँ से रहेंगे, रोहतक से रहेंगे। बुलेट मोटरसाइकिल की पिछली सीट पर बैठकर वह आगे का पहिया ऊपर उठाकर 2.4 किलोमीटर की दूरी तय की थी मनीष राठी रोहतक से। सड़क हादसों पर जापान में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में प्रदेश की किस बेटी को भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, ये डॉक्टर दीक्षा आर्या जो फतेहाबाद गोरखपुर से रहेगी। गोरखपुर में ही क्या है, परमाणु प्लांट लगा है और अभी गोरखपुर से ही प्यारे बच्चों एक मतलब शिवाच लड़के ने क्या किया है, यूपीएससी को पूरे हरियाणा में टॉप किया है। ये वर्तमान समय में की जापान की यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट रिसर्च के रूप में कार्य कर रही है दीक्षा आर्य, याद कर लेना दीक्षा आर्य। प्रदेश के किस जिले में पशुओं और पोल्ट्री के लिए डायग्नोस्टिस्ट व फीड जांच प्रयोगशाला बनेगी, तो पशुओं के लिए मैं आपको पता है जींद, क्योंकि मूरा बेस कहाँ पर है, जींद, और जिसे क्या कहा जाता है काला सोना कहा जाता है, तो उसके लिए डायग्नोस्टिस्ट लैब बनेगी। नेक्स्ट है, प्रदेश के किस खिलाड़ी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए देश को नेत्रहीन T20 क्रिकेट विश्व कप जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो दीपक भैंसकला गांव कहाँ से रहेंगे, सोनीपत से रहेंगे। दीपक याद कर लेना, कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे के साथ लगती जमीन पर स्कॉटलैंड और सिंगापुर की तर्ज पर कितने शहर बसाए जाएंगे, 5 शहर बसाए जाएंगे और इस योजना का नाम रहेगा पंचग्राम योजना। केएमपी की फुल फॉर्म आई तो कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे, ये योजना 24 अप्रैल 2015 की योजना थी, इसका पहले ताऊ देवीलाल एक्सप्रेसवे नाम था। तो 5 शहर इसकी योजना पंचग्राम योजना और ये है ना HSIIDC द्वारा 5 शहर बसाए जाएंगे। आयुष्मान कार्ड बनाने में प्रदेश का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है, कुरुक्षेत्र। कल हमने पढ़ा था गुरु रविदास जी का भव्य मंदिर कहाँ पर बन रहा है, कुरुक्षेत्र। एक संस्कृति सम्मेलन का आयोजन भी कहाँ पर हुआ, नवंबर महीने में कुरुक्षेत्र। और द्रौपदी मुर्मू भी कहाँ पर आई थी, 29 और 30 नवंबर को कुरुक्षेत्र आई। ई टिकटिंग की क्या की थी उन्होंने, शुरुआत की, और सिरसा में एक मेडिकल कॉलेज खोया था। प्रदेश के किस जिले में महाराजा सूरसेनी जयंती राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया, हिसार, और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वर्चुअल माध्यम से इसकी क्या की थी, सहायता मतलब घोषणा की थी। और वर्ष 2020 में महाराजा सूरसेन जयंती का पहला राज्य स्तरीय कार्यक्रम कुरुक्षेत्र में हुआ और दूसरा हिसार में किया गया। प्रदेश के किस रेलवे लाइन पर देश की पहली हाइड्रोजन डेमो ट्रेन चलेगी, तो हाइड्रोजन डेमो ट्रेन कहाँ से चलेगी, जींद से चलेगी, जींद से सोनीपत। जींद कल एलिवेटेड ट्रैक कहाँ पर बना था, रोहतक में बताया था। जींद के रेलवे जंक्शन प्रदेश का पहला हाइड्रोजन प्लांट बनाया जाएगा 120 करोड़ का,
प्रदेश के किस खिलाड़ी पर अब तक सबसे अधिक है आर्टिकल लिखे गए हैं? नीरज चोपड़ा। और स्विट्जरलैंड ने इन्हें क्या बनाया था? मैत्री ब्रांड एम्बेसडर बनाया। वर्ष 2022 में इन पर कुल 812 आर्टिकल लिखे गए हैं, जो कि अब तक सबसे अधिक है। प्रदेश के किस स्थान पर एफिड द्वारा नया ऑयल मिल स्थापित किया गया? तो ये रामपुरा रेवाड़ी में, गुरुग्राम में बीटा कैफे खोले जाएंगे और रामपुरा रेवाड़ी में एफेड द्वारा नया ऑयल मिल। हरियाणा में किसानों को फसल कटाई के बाद प्रबंधन और कोल्ड चेन उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए किस विश्वविद्यालय से समझौता किया है? तो हरियाणा ने फसल कटाई के बाद जो पराली वगैरह उनके प्रबंधन के लिए बर्मिंघम विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है। ट्रक पर चोटी ना हो खिलाड़ी, इसके लिए प्रदेश की कौन सी बिटिया प्राकृतिक घास पर अमेरिका में शोध करेगी? ये पारुल मंडल टोहाना फतेहाबाद से है। कल मैंने बताया था बुना ब्लॉक नेट के लिए चुना गया, तो पारुल कहाँ से है? टोहाना से। प्रदेश की किस महिला को भारतीय बाल कल्याण परिषद का आजीवन कार्यकारिणी सदस्य नियुक्त किया गया? ये रंजीता मेहता है। और जैसे मैंने आपको बताया था टेबल टेनिस से भारतीय टेबल टेनिस की अध्यक्ष कौन बनी? मेघना अहलावत। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की ओर से जारी सामाजिक सूचकांक में टायर 4 में हरियाणा का कौन सा स्थान रहेगा? हरियाणा का पहला स्थान रहेगा। कल हमने बताया था पब्लिक अफेयर में हरियाणा पहले पर था, सामाजिक जो कल्याण था उसमें पंजाब के बाद दूसरे पर था, और आर्थिक न्याय में किस पे था? दूसरे पर, छत्तीसगढ़ पहले पे था। ठीक है, पर ये नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। हरियाणा का कौन सा व्यक्ति अमेरिका के घटक राज्य मिसौरी का वित्त मंत्री बना? तो ये विवेक मलिक सोनीपत से अमेरिका के घटक राज्य सिमोरी का वित्त मंत्री बना। अमेरिका में वित्त मंत्री बन रहा है, ये क्वेश्चन आ सकता है। विवेक मलिक, विवेक से काम लेगा ना वही बनेगा, सोनीपत से रहेगा। और कल अमेरिका में एक वो जीत कर आया था राहुल, ठीक है, वो कौन सा अवार्ड जीत कर आया था? जैसे आयरन मैन का अवार्ड जीत कर आया, चाहत अरोड़ा। मैंने कल बताया था चाहत अरोड़ा नवंबर के महीने में ऑस्ट्रेलिया के लिए चुनी गई थी, ठीक है। और मुंबई में आयोजित 3रे बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में स्टेज ऐप द्वारा हरियाणवी बोली में बनाई गई किस वेब सीरीज को बेस्ट वेब सीरीज का अवार्ड मिला? मेरे यार की शादी, सतेंद्र सहरावत। और वेब सीरीज के अभिनेता यशपाल शर्मा हिसार से रहेंगे। भिवानी जिले में आयोजित 28वें राज्य स्तरीय युवा उत्सव में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा? तो रेवाड़ी प्रथम स्थान पर रहा, जहां से संतोष यादव का क्या रहेगा संबंध है? रहेगा। और फतेहाबाद दूसरा, जहां से रामपाल जो पहली बार माउंट एवरेस्ट पर गए थे, किसके द्वारा? हरियाणा सरकार और खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग द्वारा। हरियाणा सरकार ने स्टेज 3 व 4 के कैंसर पीड़ितों के लिए 2500 रुपए की क्या की है? शुरुआत की है मासिक पेंशन की, ये उनको दी जाएगी जिनके परिवार 3 लाख तक है। हरियाणा राज्य में अनुवांशिक बीमारी डचेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी DMD से ग्रस्त मरीजों को कितने रुपए मासिक मिलेंगे? तो कैंसर वालों को भी 2.5, उनको भी 2.5। और बुढ़ापा पेंशन अभी अगले मतलब 1 अप्रैल 2023 से 2750 हो गई है। तो हाल ही में हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष के रूप में रविंदर बलियान, ये रतिया के पूर्व विधायक थे, ठीक है। अभी रतिया के प्यारे बच्चों अलग विधायक है, पहले ये थे रविंदर बलियाल, पूर्व विधायक रतिया से थे। उपाध्यक्ष विजय, ये किसके रहेंगे? अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया, उसके अध्यक्ष रहेंगे। हरियाणा राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय द्वारा किन्हें गुरुद्वारा निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया? तो सेवानिवृत्त जस्टिस HS भल्ला को किया गया। तो ये गुरुद्वारा निर्वाचन आयुक्त है। और गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी का हेडक्वार्टर कहां पर था? कुरुक्षेत्र में आज पड़ा था। हरियाणा खेल विश्वविद्यालय राई सोनीपत के पहले कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? पे इसका प्यारे बच्चों VC किसे चुना गया था? मतलब कपिल देव को भी चुना गया था, लेकिन इसका कुलपति पूर्व IPS HS देसवाल को चुना गया। हरियाणा राज्य में सरकारी विभागों के पदों पर तर्क संगत बनाने के लिए किस कमीशन का गठन किया गया? तो ये रेशनलाइजेशन कमीशन रहेगा, रेशनलाइजेशन कमीशन याद करना। प्रदेश के किस जिले में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म पर सुशासन दिवस के रूप में राज्य स्तरीय प्रोग्राम हुआ? पंचकुला में। तो अटल जी का नेचर कैसा था? कूल। पंचकुला 25 दिसंबर को सुशासन दिवस होता है। इस अवसर पर विभिन्न विभागों में सरकारी सेवा के दौरान डिजिटली माध्यम से कार्यों का सरल करने पर मुख्यमंत्री ने 118 अधिकारियों कर्मचारियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर विभिन्न विभागों को 22 सुशासन पुरस्कार प्रदान किए गए। आयुष्मान भारत हरियाणा के कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर सुशील कुमार माही को स्टेट फ्लैगशिप स्कीम अवार्ड से नवाजा गया था। मेन ये याद रखना, ये कहाँ पर हुआ था? पंचकुला में हुआ था।
प्रदेश के किस जिले में नई पुलिस कमिश्नरी बनाई जाएगी? सोनीपत में बनेगी। तो 1 जनवरी 2003 से अभी पुलिस कमिश्नरी की संख्या बढ़ गई है। तो प्यारे बच्चों कुल अभी क्या कितनी हो गई है? 4 हो गई है। सो पहले प्यारे बच्चों गुरुग्राम आप पढ़ते हो, ठीक है, आप गुरुग्राम पढ़ते हो, आप पंचकुला फरीदाबाद में थी, अभी सोनीपत में हो गई है। इसकी घोषणा 25 दिसंबर 2022 को सुशासन दिवस पर की गई थी। पुलिस का इन्फॉर्मेशन विंग भी अलग से बनाया जाएगा। अवैध खनन के और खनन डिपार्टमेंट है ना प्यारे बच्चों, वो फरीदाबाद से विधायक के पास है रहेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सुशासन दिवस के अवसर पर आगामी वर्ष 2023 को ये पेपर में पक्का आएगा, रट लेना, अंत्योदय आरोग्य वर्ष रट लेना, 101% ये क्वेश्चन बनेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सुशासन दिवस के अवसर पर आगामी वर्ष 2023 को किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की? अंत्योदय आरोग्य वर्ष। हाल ही में हरियाणा शीतकालीन सत्र में प्रदेश के किस मंदिर को सरकार ने अपने अधीन लेकर बोर्ड बनाने की मंजूरी दी है? ये भीमेश्वरी देवी माता का मेला बेरी गांव झज्जर में लगता है, ये क्वेश्चन आ गया है। मुख्यमंत्री बोर्ड के चेयरमैन और निकाय मंत्री वाइस चेयरमैन होंगे। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन का अध्यक्ष किसे बनाया गया? करमजीत सिंह को किया गया। किसान दिवस 23 दिसंबर के करमजीत सिंह को बनाया गया। किसान दिवस 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह की याद में होता है। कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने पर किसान मुकेश को किसान रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो मुकेश कहाँ से है? सिरसा से रहेंगे। इस अवसर पर प्रदेश 40 किसानों को सम्मानित किया गया, तो सिरसा में हुआ था ये, सिरसा का किसान था मुकेश, याद कर लेना। प्रदेश के किन क्रिकेटरों को आईपीएल 2023 में चयन हुआ है? तो मोहित राठी रोहतक से है, निशांत सिंधु रोहतक से है, राघव गोयल रोहतक से है, वैभव अरोड़ा अम्बाला से रहेंगे। तो इनमें इन्होंने मौका जरूर मिला था, लेकिन इन्होंने मतलब इतना, क्योंकि अभी चेन्नई सुपर किंग ने वो टाइटल जीत लिया है, लेकिन इनको मौका नहीं मिला ज्यादा। हरियाणा का पहला अत्याधुनिक विश्व कौशल केंद्र कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर रहेगा? गुरुग्राम में, राजकीय आईटीआई मुसेदपुर गुरुग्राम में। हरियाणा अभी बड़ा था रेशनलाइजन आयोग के पहले चेयरमैन कौन बने थे? तो आईएस राजन गुप्ता को। हरियाणा आयोग का गठन सरकारी विभागों में पदों की समीक्षा और जरूरत के पदों को तर्कसंगत बनाने के लिए किया जाता है। हरियाणा सरकार ने हरको बैंक के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया है? हुकम सिंह भाटी। हरको है से हुकुम सिंह भाटी, ये याद कर लेना, हरको हुकुम सिंह भाटी। और मेघना अहलावत भारतीय टेबल टेनिस की क्या बनी थी? अध्यक्ष बनी थी, तो ये याद कर लेना। पानीपत की किस महिला ने उत्तर भारती सुंदरी का ताज जीता है? तो गीत माही राणा, उत्तर भारती सुंदरी, गीत माही राणा कहाँ से रहेगी? पानीपत से रहेगी। हिसार स्थित दूरदर्शन केंद्र को किस शहर में शिफ्ट किया गया है? चंडीगढ़ में। अब हरियाणा में ना एक भी दूरदर्शन केंद्र नहीं है। पहला 1 नवंबर 2000 आप पढ़ोगे प्यारे बच्चों को, इसका उद्घाटन सुषमा स्वराज ने किया, वही है। सेहत आयोग के तहत हरियाणा के किस विभाग द्वारा स्टूडेंट वेल बींग योजना बनाई जाएगी? तो स्टूडेंट का काम शिक्षा होगा, शिक्षा विभाग करेगा। वर्ष में 2 बार स्वास्थ्य जांच की जाएगी और शिक्षा विभाग द्वारा स्टूडेंट वेल बींग कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। श्री कृष्ण अर्जुन आए तो प्यारे बच्चों कुरुक्षेत्र में होगा। किस जिले में बन रहे उत्तर भारत का सबसे बड़ा श्री कृष्ण अर्जुन मंदिर में विश्व की सबसे बड़ी श्रीमद् भगवत गीता रखी जाएगी? तो कुरुक्षेत्र। वजन लगभग 825 से 850 किलोग्राम होगा। मंदिर निर्माण पेहवा रोड पर 6 एकड़ में। और कुरुक्षेत्र में संत गुरु रविदास का क्या बन रहा है? मंदिर बन रहा है, तो ये भी आपको याद है कर लेना है प्यारे बच्चों। सीएम हरियाणा प्रदेश में अब तक कितने शिशु गृह शुरू किए गए? 183 शिशु गृह शुरू किए गए हैं और 500 की घोषणा हुई थी। 629 गौशाला है। सबसे ज्यादा सिरसा में, कम अभी यमुनानगर में है, पहले रेवाड़ी में होती थी। सीएमआई के आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2022 तक हरियाणा प्रदेश में कुल बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत थी? तो हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है 37.14, यानी हर प्यारे बच्चों लगभग 1/4, 10 में से 4 हरियाणा में बेरोजगार है। कौन सा राज्य हरियाणा की मुकदमबाजी प्रबंधन प्रणाली को अपनाने जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश। हरियाणा की सीमा यूपी से ही लगती है, यमुना नदी सीमा को अलग करती है, 320 किलोमीटर की सीमा पर बहती है। जम्मू कश्मीर व पंजाब भी हरियाणा की इस प्रणाली पर काम शुरू कर चुके हैं। तो प्यारे बच्चों अब यूपी अपनाएगी। 6 जनवरी 2019 को मुख्यमंत्री द्वारा विभागों, निगमों, बोर्ड, अन्य राज्य निकायों से संबंधित मामलों की स्थिति की निगरानी के लिए मुकदमेबाजी प्रबंधन प्रणाली LMS का शुभारंभ किया गया। आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य
जैसे आयुष्मान कार्ड में कुरुक्षेत्र पहले पर था, इसमें पूछा है जो अंजू सरपंच थी वो भी कहाँ की थी, महेंद्रगढ़ की थी, आयुष आरती भी महेंद्रगढ़ से, वो ब्लॉक समिति की थी, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आयुष्मान भारत चिरायु हरियाणा कार्ड बनाने का कौन सा जिला प्रथम रहा, तो महेंद्रगढ़ दूसरे पर भिवानी रहा। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, डिजिटल सेवाओं के माध्यम से किसानों को खेती करने उच्च रिटर्न सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किसानों को डिजिटल सेवाओं के वितरण की सुविधा प्रदान करने के लिए किस पारिस्थितिक तंत्र को बनाया गया था, तो एग्रीस्टेक को अपनाया गया था, ये याद कर लेना। 68वें नेशनल फिल्म महोत्सव के तहत प्रदेश के किस फिल्म निर्माता को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा रजत कमल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो मनदीप सिंह चौहान ये करनाल से रहेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अभी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन रहेगी, द्रौपदी मुर्मू क्या रहेगी, भारत की राष्ट्रपति रहेगी, और ये पहली आदिवासी क्या मानी जाती है, राष्ट्रपति मानी जाती है। और प्यारे बच्चों द्रौपदी मुर्मू है ना, यहाँ से क्वेश्चन बनना लाजमी रहेगा, द्रौपदी मुर्मू से क्वेश्चन आएगा। इन्होंने क्या किया था प्यारे बच्चों, द्रौपदी मुर्मू ने ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगामी एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। मनदीप सिंह चौहान जो गोदर करनाल से है, रजत कमल पुरस्कार से नवाजा था उन्होंने, यह सम्मान इनका लघु फिल्म जस्टिस डिलेट वट डिलीवर्ड के लिए दिया गया। नॉन फीचर फिल्म श्रेणी में यह फिल्म राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म चयनित की गई। तो मनदीप सिंह चौहान का संबंध कहाँ से रहेगा, गोंदर से रहेगा, गोंदर कहाँ पर रहेगा, करनाल में रहेगा। ठीक है, गौतम ऋषि का आश्रम भी कहाँ पर था, गौतम भगवान गौतम ऋषि का आश्रम भी कहाँ पर माना जाता है, गोंदर करनाल में माना जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आगामी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। जैसे टेबल टेनिस की कौन बनी थी, मेघना अहलावत बनी थी। रविदास जी मंदिर कहाँ पर बनेगा, कुरुक्षेत्र में बनेगा। और श्री कृष्ण अर्जुन मंदिर कहाँ पर बनेगा, जिसमें सबसे बड़ी भगवत गीता होगी वो भी कहाँ पर बनेगा, कुरुक्षेत्र में बनेगा। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन है ना, सबसे युवा सरपंच अबंजू रहेगी और ब्लॉक समिति की आरती रहेगी, दोनों कहाँ से रहेगी, महेंद्रगढ़ से रहेगी। ये सारे के सारे क्वेश्चन आगामी एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। मैं कहता हूँ एक बार क्वेश्चन आए ना तो उसको डिटेल में पढ़ने की आदत हमें डाल लेनी चाहिए, इन फ्यूचर वो क्वेश्चन बने ना तब हमारा वो क्वेश्चन किसी भी हाल में गलत ना हो। तो ये मनदीप सिंह चौहान कहाँ से रहेंगे, गोदर करनाल से। और ये भी याद कर लेना, मनदीप के साथ फिल्म के निर्देशक मुंबई निवासी काम्याख्या नारायण सिंह को भी इनके साथ क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। तो ये सम्मान कितने लोगों को मिला था, मनदीप सिंह चौहान गोंदर करनाल से और इनके साथ मुंबई के जो नारायण सिंह को भी मिला था। ये थी प्यारे बच्चों आपकी दिसंबर 2022 की करंट अफेयर, और मैं मतलब कम से कम एक साल की करंट अफेयर आपको करवाऊंगा, फिर आपका कोई दिक्कत नहीं आएगी। हरियाणा करंट अफेयर की ये बुक मार्केट में है, मात्र 100 रुपए में 2 साल का करंट अफेयर पढ़ सकते हो। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत, लव यू ऑल।